Assalamu alaikum viewers, welcome to Leo TV. GW Basic के lecture number 13 के साथ है मलिचुकताई. Viewers, first हमने only one read data statement use करते हुए हमने एक program बनाया था data read statement का last lecture में lecture number 11 में. Viewers, आज हम two lines data statement use करेंगे और उनको read करवाएंगे. You need two डाटा टू टाइम डाटा एंटर करेंगे, टू डाटा स्टेटमेंट्स होगी और उसको वन रीड करवाएंगे. व्यूवर्स, ये किस तरह पॉसिबल है इसके लिए यूज़ करते हैं हम जी डब्ल्यू बेसिक को. यू बेसिक ओपन किए व्यूवर्स, जी डब्ल्यू बेसिक को ओपन करने के बाद एज यूजुअली मैं सी एल एस प्रेस करता हूँ, स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ. फर्स्ट व्यूवर्स, इसमें लाइन नंबर मैं 10 एंटर करता हूँ. 10 एंटर के बाद मैं सबसे पहले रिम लिखूंगा. याद होगा कि मैंने लास्ट लेक्चर में रिम नहीं लिखा था तो लाइन सिंटैक्स एरर आ गया था. व्यूवर्स, वो मैंने जान के छोड़ दिया, पहले लिखते हुए लिखना चाहता था फिर मैंने इसको छोड़ दिया. व्यूवर्स, अब मैं दोबारा इस प्रोग्राम में रिम लिख के हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो. आर ई एम रिम. नेक्स्ट मैं इस पर लिखता हूँ एक स्टेटमेंट छोटी, इसको रीड कर लीजिएगा. इन दिस प्रोग्राम वन रीड स्टेटमेंट रीड डेटा from two data statement. व्यूवर्स, गौर से देख लीजिएगा, मैंने इसमें लिखा रिम इन दिस प्रोग्राम वन रीड स्टेटमेंट रीड डाटा फ्रॉम टू डाटा स्टेटमेंट. व्यूवर्स, नेक्स्ट लाइन में अगेन दोबारा मैं एक और इसमें आपकी सहूलत के लिए लिखा हूँ, दिस प्रोग्राम कैलकुलेट द पैरा पेरीमीटर्स ऑफ अ पेन Pentagon where A comma B comma comma B C comma. Now next मैं dream लिख रहा हूँ इसमें line number 30 में, इसको भी देखिएगा. dream इस प्रोग्राम में मैं स्टार पे नहीं लिखा, मैं इसलिए जिसको ख़त्म करके यहाँ पे रिम लिख दूँगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए. दोबारा मैं लाइन एंटर नहीं कर सकता, बड़े मुश्किल से लॉन्ग सा हो जाएगा लक्ष्य. दोबारा मिस्टेक कर गया हूँ मैं, लिखता हूँ डी एंड डी कॉमा एंड केयर सी ए आर केयर द एल ई एन टी एच लेंथ ऑफ साइड ऑफ पेन कोड. एंटर करता हूँ लाइन नंबर 40 स्पेस रीड ए कैप्स लॉक प्रेस कर लेता हूँ, इजी हो जाएगा. ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई. आपको पता ही है पेंटागोन की कितनी साइज होती है, कोमा पी स्ट्रिंग वैल्यू. ठीक है व्यूवर्स, कैप्स लॉक बंद करता हूँ. इसके बाद मैं फिर एंटर की प्रेस करूँगा. एंटर प्रेस करने के बाद लाइन नंबर 50 टाइप करता हूँ. 50 टाइप करते हुए आप देख लीजिएगा गौर से, और इसमें पी ई आर आई एम ई टी ई आर पैरामीटर्स
इक्वल टू स्मॉल लेटर यूज करूंगा ए प्लस स्पेस प्लस बी प्लस सी प्लस डी स्पेस नहीं आई डी प्लस ई। व्यूअर्स ये आपने देख लिया। इसके बाद मैं नीचे इसमें लाइन नंबर 60 एंटर करता हूँ। 60 लाइन में मैं लिखता हूँ प्रिंट प्रिंट पी स्ट्रिंग वैल्यू स्पेस कोटेशन मार्क इक्वल टू का साइन, फिर गेन कोटेशन मार्क को क्लोज करता हूँ, सेमी कॉलन यूज़ करूँगा और इसके बाद पी ई आर आई एम ई टी ई आर प्रिंटर्स लाइन नंबर 70 आ गई। इसमें मैं डाटा एंटर करूँगा, डाटा 12 कॉमा 18 कॉमा 24 एंटर कर देता हूँ। लाइन नंबर 80 एंटर करता हूँ, इसमें मैं गेन लिखता हूँ डाटा 18 कॉमा 35 कॉमा पी ई आर आई एम ई टी ई आर पैरामीटर्स। नाउ एंटर प्रेस करता हूँ। लाइन नंबर 90 में 90 लिखूँगा, लाइन नंबर 90 इसमें मैं एन लिख देता हूँ। व्यूअर्स प्रोग्राम टाइप हो गया। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, आप देख लीजिएगा इसका रिजल्ट। सिंटैक्स एरर इन द लाइन नंबर 20, कहाँ पे सिंटैक्स एरर आया? लास्ट में मैंने इसमें लाइन नंबर 20 में रिम लिखा और कहीं पे मिस्टेक आ रही है। इस प्रोग्राम को सेव करते हैं। सेव नीचे लाता हूँ, ऐसे भी सेव टू कोटेशन मार्क मोस्ट इम्पोर्टेंट टू डाटा स्टेट टी। सेव हो गया, दिस चेक करते हैं। देखिए प्रोग्राम में लाइन में वो रिम लिखा था लेकिन रिम उसने एंटर नहीं किया, इसलिए मैं दोबारा इसमें लाइन में एडिट लाइन नंबर 20। अब मैं इसको एडिट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसका लिखता हूँ REM रिम। नाउ इसको एंड पे जाके इसको एंटर करते हैं, ऐसे वी सेव क्वोटेशन मार्क टू डेटा स्टेट एसटीटी। सेव हो गया, LIST डिस्ट देते हैं। आप देखिए प्रोग्राम में डीम लिखा गया। मैं इसको रन करता हूँ, आपको रिजल्ट आपके सामने होगा। सिंटैक्स एरर इन दैट लाइन नंबर 24 लाइन नंबर 40 में सिंटैक्स एरर उसने क्या दिया जी? यहाँ पे देखिए ये डॉट एंटर हुआ है, यहाँ पे कॉमा एंटर करना था। अब इसको फिर अगेन नाउ नीचे चलते हैं, एडिट लाइन नंबर 40 अगेन इसको एडिट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा मैं इसमें कॉमा एंटर करता हूँ, एंड पे जाके मैं इसको करता हूँ सेव, लेकिन ये नहीं होगा, सेव प्रॉपर नहीं होगा क्योंकि इसमें एरर देगा। इसके लिए मुझे यहाँ से प्रोग्राम को दोबारा टाइप करना पड़ेगा। ए कैप्स प्रेस करता हूँ, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई कोमा पी स्ट्रिंग एंटर प्रेस करके ऐसे भी सेव कोटेशन मार्क टू डाटा, मैं इसको कैप्स लॉक बंद कर रहा हूँ, टू डाटा स्टेट एस टी टी स्टेट कोटेशन मार्क नाउ में सेव कर दिया। LIST लिस्ट चेक कर लें, देखिए इसमें वो मैटर दूर हो गया। आप दोबारा रन करते हैं, देखिए इसके पैरामीटर 107 इसका आउटपुट आपको मिल गई। इसको व्यूवर्स आप मैनुअली भी इसको चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करके। अब इसमें ये मैं आपको कोई बात बता दूं, ये 12 18 24 18 35
ये उसने ए की वैल्यू ली, ये बी की, ये सी की, डी की और ई की। व्यूवर्स यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर।